मित्रों नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज भी महत्वपूर्ण खबर पर आपसे चर्चा करता हूँ। मित्रों, लालू प्रसाद का परिवार बहुत गंभीर संकट में फंस गया है। जो अभी तक या पिछले 5 सालों में जितनी रेड चली, जितनी बातें हुई, उसमें इस बार की जो ईडी की रेड है उसमें वो गंभीर खतरे में पड़ गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, उसने जो छापामारी की है और उसने जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। और उससे ऐसा लगता है, जो आज हमारी बात हुई है बहुत सीनियर लेवल पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है, यानी जो लालू परिवार है वो गंभीर संकट में पड़ गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया और कहा कि हर 5 साल में जैसे ही विपक्ष एकजुट होता है तो सरकार उन पर छापेमारी शुरू कर देती है। और उन्होंने बहुत ही इमोशनल ट्वीट भी किया था कि उनकी गर्भवती बेटी को 15 घंटों से बिठा रखा है और परिवार के लोगों को तंग किया जा रहा है। पहले सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, फिर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की, और ईडी ने 2 दिन से कल और आज उनके जितने घर हैं, उनके परिसर है, उन पर छापेमारी की दिल्ली और पटना में। और जो दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का जो घर है, उसकी रजिस्ट्री मात्र 4 लाख रुपए में हुई है, जबकि वो घर 150 करोड़ रुपए का है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि ये बहुत गंभीर संकट में लालू प्रसाद यादव फंस गए हैं। तो आज जो छापेमारी हुई दिन भर, उसमें लालू प्रसाद यादव को 600 करोड़ रुपये का टोटल जो एक घोटाला निकला है, नौकरी के बदले जमीन। और उसमें आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत ही सीरियसली एलिगेशन लगाया कि ऐसे ऐसे गरीब लोगों से जमीन अपने नाम करवा ली गई है जिनके पास कुछ नहीं था। छुटपुट अगर जमीन के टुकड़े थे वो भी लालू प्रसाद यादव के नाम पर या उनके परिवार के, या बेनामी कर दिए गए हैं, वो आज उसके कागजात मिले हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि भारतीय रेल के नौकरियों के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ छापों में 1 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी जमा हुई है। जो नकद मिला है, अब सुबह तक खबर थी कि 53 लाख रुपए नकद मिले, लेकिन शाम तक वो राशि लगभग 1 करोड़ रुपए हो गई है। और 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सहयोगियों के लिए रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में किए गए निवेशों का पता लगाने के लिए एजेंसी से की जा रही है। ईडी ने शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित परिसर सहित परिवार के सदस्यों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पति पत्नी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। ऐसा आरोप है कि संपर्क सरकार में 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेल में नौकरी के बदले लोगों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सहयोगियों को भूखंड उपहार में दिए या फिर उन्हें जमीन सस्ते दाम पर बेचा। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए शनिवार को बुलाया था, लेकिन वह व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके और नई तारीख का अनुरोध किया है। वहीं ईडी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि छापेमारी में अघोषित 1 करोड़ रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा, सोने के 540 सिक्के, सोने के 1.5 किलोग्राम गहने जिनकी कीमत करीबन 1.25 करोड़ रुपए है, ये सब मिले हैं। एजेंसी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम वाले विभिन्न संपत्तियों के दस्तावेज, बिक्री दस्तावेज आदि सहित तमाम दस्तावेज बेनामी संपत्ति के रिकॉर्ड शामिल हैं, जो अवैध तरीके से अर्जित भूखंडों की ओर संकेत करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि छापों के दौरान अभी तक अपराध के माध्यम से अर्जित करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया गया है, जो 350 करोड़ रुपए की अचल और 250 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। विशेष रूप से तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए ईडी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बना
D1088 एक 4 मंजिला बंगला है जो एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इस मामले में कंपनी को लाभार्थी फर्म कहा गया है। ईडी ने कहा है कि इस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग हैं और वही चलाते हैं, और ऐसा दिखाया गया है कि इस मकान को महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया है, जबकि इसकी मौजूदा कीमत 150 करोड़ रुपये है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 4 करोड़। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में करीब ये जो मकान है वो लगभग 1 बीघे में है और 4 मंजिला है, 4 लाख रुपए बताया गया है, और ये एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से, कंपनी के नाम से है, जो उस कंपनी को खुद तेजस्वी यादव चलाते हैं। तो इस तरह से, तो इसलिए जैसे मैं कह रहा था कि ये मामला गंभीर है और लालू प्रसाद यादव का परिवार गंभीर संकट में फंस गया है। अब आप सोचिए कि इस परिवार को अब कौन बचाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को पहले ही 5 5 साल की सजा हो चुकी और उसमें बेल पर है, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और अब तेजस्वी यादव, जिनका राजनीतिक भविष्य बहुत ही उज्जवल था, अब लगता है कि उनके भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। तो आज तो पेश नहीं हुए, लेकिन अब जल्दी ही जब नई डेट मिलेगी तो उनको आना पड़ेगा। और दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी खबर है। KCR की बेटी के कविता आज ईडी के सामने पेश हुई और आज बहुत ही तैयारी के साथ वो आई। उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और पार्टी ने उन्हें जो ईडी दफ्तर ने भेजा, बहुत ही ऐसा भेजा जैसे वो कोई युद्ध के लिए जा रही है। तो आज करीबन 9 घंटे की पूछताछ हुई है और उन्हें 16 मार्च को फिर से बुलाया गया है, यानी अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। तो इसका मतलब ये कि 16 मार्च को क्या वो अरेस्ट हो सकती है। ईडी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की 44 वर्षीय बेटी कविता रात 8 बजे APJ अब्दुल कलाम रोड स्थित एजेंसी के मुख्यालय रवाना हुई। वो और पुराहन करीब 11 बजे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित तुगलक रोड स्थित अपने पिता के सरकारी आवास ईडी कार्यालय पहुंची। ईडी से वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर केवल उनका घर है, क्योंकि जो KCR का घर है वो तुगलक रोड पर है और जो ईडी का दफ्तर है वो APJ अब्दुल कलाम रोड पर है, जो करीबन 1.5 किलोमीटर है। वहां वो पहुंची और अधिकारियों ने कहा कि BRS की नेता को 16 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसमें पहले ईडी कार्यालय ने भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को तैनात किया था। BRS नेता के समर्थकों ने APJ अब्दुल कलाम रोड पर प्रदर्शन भी किया। ईडी ने कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन लंबे समय से अटके महिला आरक्षण विधेयक को संसद के इसी बजट सत्र में पास कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को वह अनशन में शामिल होने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण नई तारीख देने का अनुरोध किया था। कविता को एजेंसी ने इसलिए बुलाया कि ताकि उसका सामना हैदराबाद की कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कराया जा सके। पिल्लई को इस सप्ताह ईडी ने गिरफ्तार किया था और ये वही मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया पहले से ही गिरफ्तार है और मनीष सिसोदिया भी 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में है और उसके बाद 21 मार्च को मनीष सिसोदिया की बेल अर्जी पर आज चर्चा होगी। तो कुल मिला के ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में जैसे कि लोग कह रहे हैं कि शराब घोटाले का जो मामला आया है बहुत ही उसके पुख्ता स्वरूप सबूत मिले हैं ईडी को। तो इसलिए कोर्ट ने जो कल सुनवाई हुई थी मनीष सिसोदिया को लेकर, उसमें कोर्ट ने खुद ही माना है कि पुख्ता सबूत है और इसलिए 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में दी थी। और अब कविता के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने लाभ लिया था, उसके भी पुख्ता स्वरूप सबूत है। तो ऐसा लगता है कि 16 मार्च को कहीं ये अरेस्ट ना हो जाए और इनकी आपस में एक दूसरे से आमने सामने पूछताछ होगी, यानी पिल्लई को कविता के सामने बिठाया जाएगा और फिर इनको मनीष सिसोदिया के सामने बिठाया जाएगा। तो ये आपस में इनसे पूछताछ करके फिर इसमें नई खबर, नई सूचनाएं मिल सकती हैं। तो इस तरह से आज जो खबरों का दिन रहा वो लालू प्रसाद यादव और KCR और KCR की बेटी के कविता के नाम रहा। तो आज इतना ही,
आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना सुझाव देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।